नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। आइए आज की बात शुरू करते हैं, करंट अफेयर की बात चाय के साथ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति और स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने कोट में कहा था कि सपने वे नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो आपको नींद ना आने दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सपनों में ये देख रहे हैं कि हम कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अहर्निश मेहनत करनी होगी। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली पॉम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो पॉम ऑयल जो है अभी तक हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए ऑयल बहुत महंगा था, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के जी के नेतृत्व में ये चीज़ें अभी नई शुरू हुई हैं कि हमने अपने देश में ही पाम ऑयल को बनाने के लिए एक बड़ी रिफाइनरी लगानी शुरू की है। और उसका जो अभी पहला उद्घाटन हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि पाम ऑयल की जो पहली मिशन पाम ऑयल की ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। ये एक जो मिशन है वो है NMEOOP, ठीक है ना। NM मतलब नेशनल मिशन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है NMEOOP, ठीक है ना, नेशनल मिशन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, ठीक है ना। और इसके उद्देश्य जो है वो ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। 1 रुपए के साथ 11,040 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह योजना जो है उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित करते हुए 2025-26 तक पाम ऑयल के उत्पादन में हमको स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, ऐसा माना गया है। और विभिन्न हितधारक जो हैं वो NMEOOP लागू करेंगे, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। कहां किया गया है? ओडिशा में किया गया है, ठीक है। देखें इसको, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक हैं और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। क्या नाम है? बीजू जनता दल। बीजू जो है जनता दल का, ये जो बीजू नाम आगे आप देख रहे हैं ये इनके पिता के नाम पे है, स्वर्गीय पिता के नाम पे, जिनका नाम था बीजू पटनायक। और बीजू पटनायक के नाम पे ही इस जनता दल का नाम जो टूटा उसे बीजू जनता दल कहा गया। उनके पुत्र नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। उड़ीसा ने ही अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का पूरा प्रमोशन से लेकर सारे खर्चे हॉकी इंडिया के वही उठा रहे हैं। तो इन्होंने कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टेडियम में एक पेंट्री के साथ 120 एथलीटों के रहने की सुविधा है। 120 करोड़ रुपए की लागत है, 120 एथलीटों के रहने की सुविधा है और 10,000 वर्ग मीटर का एक ट्रैक है जिसपे लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है ना। यह ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसका उद्देश्य देश भर में एथलेटिक्स का विकास करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चले, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी NRL किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो NRL ने अभी हाल ही में किस देश के साथ अपना किया है? बांग्लादेश के साथ किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। NRL के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि NRL जो है वो
ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक प्रभाग है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। यह असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। ठीक है, यह ऑयल इंडिया का प्रभाग है। इसका जो उद्योग है वो तेल और गैस दोनों है। इसका जो मुख्यालय है वो गोलाघाट आसाम में है और इसका जो प्रमुख लोग हैं उनका नाम है डॉक्टर रंजीत रथ। ठीक है ना, ये उत्पाद जो है इसके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाती है। अभी एनआरएल का जो भाग है वो कहाँ खोला गया है, बांग्लादेश में खोला गया है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। चौथा तो क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है। क्या चीज है, महिला समुद्री मिशन निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है। अब अगर हम ऑप्शन में देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और हिमाचल प्रदेश है। आप थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दें, जलीय सीमा पूछी है, महिला समुद्री निगरानी, तो समुद्र उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तो हो ही नहीं सकते, दो जगह बच रहे हैं, पश्चिम बंगाल में और अंडमान निकोबार में, तो होगा तो किसी एक में। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सबसे संभावित उत्तर है वो क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और यहीं पर ये पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन जो है वो खोला गया है और ये तीन महिलाओं के अंडर पे या तीन महिलाओं को प्रभार देकर इस मिशन को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं, INS 318 की 40वीं वर्षगांठ 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन जो है वो शुरू किया गया है। INS उत्क्रोश के चालक दल में लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा, तीन। ठीक है ना, INS जो उत्क्रोश है उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप है, कमांडर दिव्या शर्मा है और कमांडर वैशाली मिश्रा हैं। इन तीनों के प्रतिनिधित्व में या इन तीनों की निगरानी में इस महिला निगरानी मिशन को कंप्लीट किया गया है। जो इनका प्रदर्शन है, विशेषज्ञता है, वो है इनकी उड़ान पूर्व ब्रीफिंग है, मौसम संबंधी ब्रीफिंग दे लेती हैं, चिकित्सकीय जांच कर लेते हैं और हवाई यातायात नियंत्रण ब्रीफिंग भी ATC जो कहलाती है वो इन्हें आती है। आइए इनको देख लेते हैं। ये INS उत्कर्ष पर तीन महिला अधिकारियों का एक कुशल दल निष्पादित है, लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप ये जो बीच में खड़ी है, ठीक है ना, एक एक दो तीन, ये तीनों जो है ये हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप है, दिव्या शर्मा है और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा है, इन्हें आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ। ये अभी हाल ही की बहुत बड़ी घटना थी, जापान एक देश है और जापान का जो स्पेस है उस स्पेस शटल का नाम है स्पेस 1, जैसे अपने यहाँ इसरो है वैसे ही जापान की जो स्पेस संस्था है उसका नाम है स्पेस 1। और स्पेस 1 ने एक रॉकेट लॉन्च किया था कॉसरोव करके और उस कॉसरोव का विस्फोट हो गया, जैसे ही वो उड़ान पे आया वैसे ही 5 सेकंड के अंदर उसका क्या हो गया, मलबे में वो तब्दील हो गया है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है ना, और जापान जो है आपको ये भी याद रखना है कि जापान जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्कियोपेलागू है। क्या है, आर्कियोपेलागू। आर्कियोपेलागू क्या होते हैं, आर्कियोपेलागू आप ऐसा समझिए कि वे देश जो द्वीप समूहों से मिलकर बने हैं, इससे द्वीप समूहों से मिलकर बने हैं वे क्या कहलाते हैं, आर्कियोपेलागू कहलाते हैं। ठीक है ना, और दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलागू, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलागू जो है वो इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया है। ठीक है ना, जिसमें लगभग 10,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 10,000 द्वीप है। दूसरे नंबर पे जो आर्कियोपेलागू आता है वो आता है जापान का। जापान में लगभग 4,000 द्वीपों की एक श्रृंखला है, 4,000 छोटे बड़े द्वीप मिला के एक पूरा देश बनाते हैं जिसे जापान कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चले आगे देखते हैं इसे, ये देखिए ये इस तरह विस्फोट हुआ था पूरा। और इसमें देखिए 13 मार्च को जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस 1 ने पहले प्राइवेट रॉकेट काइरोस को लॉन्च किया था
और ये लॉन्चिंग के 5 सेकंड के अंदर ही जो है वो विस्फोट से चकनाचूर हो गया। और इसकी मदद से एक काम किया जाना था, सरकारी उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का प्लान था, ठीक है ना। 18 मीटर लंबे काइरोस को सॉलिड फ्यूल इंजन के साथ जो है वो लॉन्च किया गया था, जो लॉन्चिंग फेल हो गई और ये 5 सेकंड के अंदर ही विस्फोट के कारण मलबे में तब्दील हो गया, ठीक है। चलिए ये आप थोड़ा सा जापान के बारे में देख लें। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, इसकी राष्ट्रभाषा जो है वो जापानी है। और आपको जापान के साथ ये भी याद रखना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो जीवन प्रत्याशा है, अर्थात सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जीवित रहते हैं, सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा जो है वो किसकी है, जापान की है। लगभग 80 साल के आसपास जो जीवन प्रत्याशा है यहाँ पे। यहाँ जो सरकारें हैं, एक तो संसदीय प्रणाली से यहाँ प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र भी है। यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पे राजा होता है, ठीक है ना। तो संसदीय प्रणाली है और यहाँ पर राजतंत्र भी है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह सम्राट आते हैं जिनका नाम है नारुहितो, और प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा। क्या नाम है? फुमियो किशिदा, ठीक है। यहाँ जो विधानमंडल है उसे राष्ट्रीय डायट कहते हैं। इसका उच्च सदन जो है वो हाउस ऑफ काउंसलर्स कहलाता है और निम्न सदन जो है वो प्रतिनिधि सभा कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जापान के बारे में देखते हैं। जापान का जो पूर्वी भाग है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उत्तरी प्रशांत महासागर से ये कवर्ड है और पीछे जो है वो सी ऑफ जापान या पूर्वी सागर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे से बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत 4000 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से जो चार द्वीप जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, उनको आप याद रखिएगा। सबसे पहले आता है इसका होकाइडो। सबसे पहले कौन सा आता है? होकाइडो द्वीप। तो होकाइडो हो गया। होकाइडो के बाद जो है वो है होंशू। तो होकाइडो हो गया, होकाइडो के बाद है होंशू, होंशू के बाद है शिकोकू, और शिकोकू के बाद क्या है? क्यूशू। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है ये पूरा, ये कौन सा है? होंशू द्वीप है, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि नागासाकी जो है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है? होंशू द्वीप पे ही है, जहाँ पे 1945 में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं वो दोनों होंशू द्वीप पे हैं, ठीक है। तो ये जापान के चार प्रमुख द्वीप हैं, होकाइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू, और 4000 द्वीपों से मिलके बने हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्कियोपेलागो कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि बृजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? सीएमडी नियुक्त किया गया है, और ये सीएमडी जो बनाया गया है इन्हें इंडियन बैंक का बनाया गया है। किस बैंक का बनाया गया है प्यारे बच्चों? इंडियन बैंक का बनाया गया है। और इंडियन बैंक जो है इसके पहले क्या कहलाता था? अलाहाबाद बैंक कहलाता था। क्या कहलाता था? अलाहाबाद बैंक कहलाता था, ठीक है। तो ये अभी इंडियन बैंक के सीएमडी बने हैं। ये देखिए इंडियन बैंक है, अलाहाबाद बैंक। ये इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1907 को, अर्थात इसका 116 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था SRM रामास्वामी चेट्टियार, और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई भारत में है, ठीक है। चले चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? चीन हो गया, ईरान हो गया, और एक देश और पूछा गया है। तो ईरान कभी भी इसराइल के साथ तो नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल और ईरान बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि चीन जो है वो काफी विकसित देश है और बांग्लादेश के साथ अपनी टेरिटरी नहीं मिलाएगा। मालदीव के साथ हालांकि उनकी दोस्ती है, पर मालदीव भी वहां पे अपने अभ्यास करने नहीं जाएगा। तो वहां पे पास में कौन है? रूस है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। देखिए एग्जाम निकालने के दो बहुत अच्छे तरीके हैं, या कि आप इतना पढ़ चुके हों कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो, या फिर आप एलिमिनेशन के साथ खेलें कि आपको ये पता हो कि इसका सही आंसर तो मुझे नहीं पता, पर ये तो नहीं है, क्योंकि आपको उनकी स्थिति पता है, वो चीज़ पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप एलिमिनेट करके भी उस सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? रूस होगा। थोड़ा सा इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो इसराइल की जो राजधानी है वो क्या है? जेरूसलम है।
रूस की राजधानी मॉस्को है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और मालदीव की राजधानी जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। ये एक राजधानी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मालदीव की राजधानी आप जरूर मुझे बताएं। ये देखिए, ओमान की खाड़ी जो है अरब सागर और हॉर्मुज जल संधि के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है, जिसे ओमान की खाड़ी बुलाया जाता है, किंतु भौगोलिक रूप से यह वास्तव में एक जल डमरू मध्य प्रदेश है। इसके उत्तर में ईरान और पाकिस्तान का मकरान क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान स्थित है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है ईरान, ठीक है ना, ये है गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ओमान की खाड़ी, ये है पूरा देश, ये पूरा देश जो है ये ओमान है, और ओमान की ये राजधानी है मस्कट। यहाँ पे ये यूएई है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, ये इतना पूरा ये जो भाग है, ये वाला जिसके मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये पूरा जो है ये पूरा यूएई है, और शेष बचा हुआ ये जो पूरा डार्क आपको दिख रहा है, ये पूरा देश जो है ये कौन सा है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, जिसकी ये राजधानी है रियाद। तो यहाँ पे ये ईरान हो गया, ईरान ने अभी यूएई के साथ मिलके और रूस के साथ मिलके, ठीक है ना, चाइना, ईरान और यूएई ने मिलके अभी क्या किया है, एक संयुक्त रूप से एक सैनिक प्रशिक्षण किया है, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये 2024 के लेटेस्ट आंकड़े हैं कि 2024 का प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सचिन सालुखे। क्या नाम है इनका, सचिन सालुखे, ठीक है। तो सचिन सालुखे को आप लोग देख लीजिए, इन्होंने प्रॉमिसिंग ईयर इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये है सचिन सालुखे। इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन अभी हाल ही में 2024 में बड़े हिट रहे हैं, जिनको आप एक बार देख लीजिए। नीदरलैंड का जो इरास्मस पुरस्कार 2024 है, उससे सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। किसको सम्मानित किया गया है, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया है नीता अंबानी जी को। किसको दिया गया है, नीता अंबानी को दिया गया है। उसके बाद रिकेन यामामोटो को 2024 का प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर का नोबेल कहलाता है। प्रिट्जर पुरस्कार क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल कहलाता है। ये रिकेन यामामोटो को, अर्थात ये जापान के हैं, रिकेन यामामोटो जापान, इनको दिया गया है। और भारत को भी हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इस सम्मान को लेने के लिए वहां पे कौन गई थी, सुश्री रंगनाथन जी। कौन गई थी, रंगनाथन जी, जो वहां पे हमारी एम्बेसडर हैं यूएसए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू ना करने की घोषणा की है। तो किस मुख्यमंत्री ने किया है इसको, तमिलनाडु में डीएमके के, डीएमके एक पार्टी है, डीएमके के मुख्यमंत्री के स्टालिन, ठीक है ना, स्टालिन ने अभी हाल ही में कहा है कि हम अपने यहां पे सीएए लागू नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संवैधानिक फैसला दिया है कि राज्य इस चीज से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र का एक बहुत प्रशिक्षित प्रतिष्ठित और दोनों संसदों से पास होने के बाद है, तो राज्य इस पे मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे देखिए आगे क्या बहस होती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इन्होंने आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। हुंडई एक कंपनी है, ठीक है ना, और आईआईटी मद्रास मिलके क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित कर रहे हैं। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं तमिलनाडु के बारे में। ये देखिए, ये पूरा जो भाग है ये तमिलनाडु का से है, ठीक है ना, ये पूरा प्रदेश जो है वो तमिलनाडु है। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कीर्ति, के खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है। और खेलो इंडिया जब भी बात आएगी तो इसको कौन करेगा, केंद्रीय
खेल एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसका अभी उद्घाटन किया है और इसके तहत इन्होंने ये मीडिया पे ये बयान दिया है कि हम छोटे लेवल से उन प्रतिभागियों को या उन प्रतिभाओं को परखना चाहते हैं ताकि पदक तालिका में, जैसे अभी हमारा रैंक बहुत डाउन आ रहा है ओलंपिक्स में या कहीं भी, तो हम वहाँ पे अपनी प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं ताकि पदक तालिका में हमारा स्थान जो है वो और ऊपर आ सके। ठीक है, ये केंद्रीय युवा मामले और अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत की, जिसमें 9 से 18 वर्ष की स्कूल जाने वाले बच्चों को कीर्ति अर्थात खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो आईटी उपकरणों का उपयोग करके देश के हर कोने से प्रतिभा की पहचान करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, इसका उद्देश्य जो है देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना और खेल उत्कृष्टता हासिल करना है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में हमारी पदक तालिका और भी बेहतर हो, प्रतिभा की पहचान आवश्यक थी, इसीलिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम अर्थात कीर्ति आज लॉन्च किया गया है और कीर्ति के माध्यम से प्रतिभा पहचानी बनाई जाएगी, संवारा जाएगा और अगले कुछ महीनों में इसे देश के हर जिले में लागू किया जाएगा। तो धीरे धीरे जो है ये पूरे देश में खेलो इंडिया के तहत ये स्कीम लागू होगी कीर्ति, और इसको धीरे धीरे हर जगह से कुछ टैलेंटेड बच्चे निकल के आएंगे जो आगे चल के पदक तालिका में हमें और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आप इनका छायाचित्र देख लें। ये कल का क्वेश्चन था, हालांकि आप लोगों में से आपसे मैं निराश हूँ, आप हमारी इतनी मेहनत के बावजूद आप कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो कृपया करके कमेंट करें। जो पिछला क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है, जिसका सही आंसर है साबरमती। ठीक है ना, महात्मा गांधी जब पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था, जिसको अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग, आज संडे है तो कम से कम इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख के और इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करें कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। इंग्लिश में देख लें, द रिसेंटली डिस्कस्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग, यूएनडीपी और वीडम संस्थान। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास जो है यही तक, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।